एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं एक नई रेसिपी जो है कढ़ाई पनीर। बहुत मेरे व्यूअर्स की डिमांड थी कि आप कढ़ाई पनीर डालिए, तो मैं ये लेकर आई हूँ। ये देखिए, मैंने सबसे पहले तो ये साबुत मसाले मैं आपको दिखाना चाहूँगी ताकि वीडियो में इंग्रेडिएंट्स बताते बताते हम उसको रोस्ट कर सकें। इसके लिए मैंने 2 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच सौंफ ली है, 2 लाल मिर्ची को बीज निकाल लिया है, सूखी वाली लाल मिर्ची, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 10 के करीब हमने काली मिर्च ली है, 2 लौंग ली है। तो सबसे पहले तो हम इसको रोस्ट करते हैं तवे के ऊपर। तवा मैंने पहले से गर्म करना रख दिया है और हम इसके ऊपर इसको रोस्ट करेंगे तवे के ऊपर। बिल्कुल धीमी आंच पे, हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको रोस्ट करना है चलाते हुए। ये देखिए, तो जब तक ये रोस्ट कर रहे हैं हम, तब तक मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। ये हमने 2 प्याज को बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्च को बीज निकाल के स्लिट कर लिया है, 1 शिमला मिर्च को हमने इसे ट्रायंगल शेप में काट कर लिया है, पनीर को भी हमने ट्रायंगल शेप में कट किया है। आप देख सकते हैं ये बहुत आसान है कट करना। ये स्क्वायर पीस लीजिए, जितना मोटा जितना पतला आपको रखना है उस तरह से आप इसको ट्रायंगल पीस में कट कर लीजिए। मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, 1 प्याज को हमने इस तरह से कट कर लिया है, ये 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी है जो हम लास्ट में यूज करने वाले हैं, ऑयल और बटर लेंगे उसको हम तड़के में और पनीर और शिमला मिर्च सौते करने में लेंगे, ये 3-4 टमाटर को हमने मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट लिया है। ये देखिए, हमने 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, नमक स्वाद के अनुसार लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये देखिए, कलर आना शुरू हो गया और खुशबू से पता चल जाता है आपको कि खुशबू अच्छी आनी शुरू हो गई है। मैंने गैस ऑफ कर दी है और धीरे धीरे जब तक तवा थोड़ा गर्म है मैं इसको चलाती हूँ और फिर ठंडा होने के बाद हम इसको पीस लेंगे। तो ये हमारा कढ़ाई मसाला बन जाएगा, यानी कढ़ाई पनीर हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें कढ़ाई मसाला चाहिए। तो ये हमने पैन को गर्म होना रख दिया है और ये मेरा स्टॉल का पैन है, स्टॉल की कढ़ाई है, ये बहुत बहुत अच्छा है। ये मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगी कि मैंने ये परचेज किया है। ये मैंने 1 टेबलस्पून बटर डाल दिया है, उसके साथ साथ मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल ताकि बटर जले नहीं। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं अपनी चॉइस का। और इसके साथ ही हम डालेंगे ये हरी मिर्च कटी हुई, हल्का सा सौते करेंगे इनको। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ये हमने प्याज भी डाल दिया है, अब हम इसको भूनते हैं मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए, इंग्रेडिएंट्स में मैं बताना भूल गई हूँ, मैंने 1 टेबलस्पून बारीक कटा अदरक ले लिया है, 1 टीस्पून बारीक कटा अदरक है और 1 टेबलस्पून ये गार्लिक है कटा हुआ। तो आप ग्रेट करके भी अदरक डाल सकते हैं, कुछ ये जूलियंस हैं जिससे हम ऊपर सजाएंगे, तो आप अपनी चॉइस से कम ज्यादा कर सकते हैं। प्याज थोड़ा भुनना शुरू हो गया, इसी समय हम इसमें ये अदरक और लहसुन भी डाल देंगे, आप पेस्ट भी यूज कर सकते हैं कटा हुआ। लहसुन अदरक हमने डाल दिया है, अब हम इसको भूनेंगे। और ये देखिए, साबुत जो मसाले हैं ना, उनको जिनको हमने रोस्ट किया था ठंडा होने के बाद, हमने इतना कुटा हुआ रख लिया है, यानी थोड़ा सा दरदरा है। अब ये जो पनीर है ना, इसमें हम 1 चम्मच ये कढ़ाई मसाला डालेंगे, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ा सा नमक, बहुत ही थोड़ा सा, और इसको ऐसे हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखा रहने देंगे। पनीर देखिए कितने अच्छे से, ये बहुत सॉफ्ट पनीर है, तो अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने इसको। ये देखिए, प्याज जो है हमारा भुनना शुरू हो गया है, हल्का ब्राउन हो गया है। आप देखिए, लगातार चलाने से क्या होता है, वो इवनली ब्राउन होता है, अदरवाइज कहीं से सफेद कहीं से ब्राउन ऐसा रह जाता है। तो ये प्याज भुन गया, अब हम इसमें डालेंगे सारे ड्राई मसाले, इनको भून देंगे, गैस को बिल्कुल धीमा रखेंगे ताकि मसाले हमारे जो है वो जले नहीं।
एक से दो मिनट हम मतलब कुछ सेकंड्स भूनेंगे इनको, और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें ये कटे हुए टमाटर और इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। टमाटर आप इसमें देसी मत लीजिएगा क्योंकि खट्टा होता है, तो आप हाइब्रिड टोमेटो जो सैलेड का आता है वही लें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम टमाटर को ना बिल्कुल मैश होने तक पकाएंगे। एक चम्मच इसमें हम ये कढ़ाई मसाला भी डाल देंगे, एक से डेढ़ चम्मच। ये ना थोड़ा स्पाइसी होता है, जब भी आप कढ़ाई पनीर आप होटल में ऑर्डर करते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो ये हमेशा आपको थोड़ा स्पाइसी मिलेगा। यानी अगर आपको लेस स्पाइसी कोई पनीर खाना है तो कढ़ाई पनीर कभी ऑर्डर मत कीजिए। तो इसमें हम एक टेबल स्पून तक पानी डालते हैं और इसको मैश होने देते हैं। जब तक टमाटर पक रहा है तब तक हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल, डाल चुके हैं, और अब डालेंगे हम इसमें ये बटर। रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बना रहे हैं आप तो ये डालेंगे, साथ ही साथ इसमें ये प्याज के चंक्स, और इनको हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जैसे हमको फटाफट मतलब क्रंची भी रखना है और हाई फ्लेम पर जल्दी से पकाना है। प्याज के साथ साथ हम डालेंगे इसमें कैप्सिकम, शिमला मिर्च, बहुत ही बढ़िया ये लग रही है। अब हम देखिए ये ऐसे सौते हो गया है, अब हम साथ में इसके डाल देंगे पनीर। ऐसा करने से ना टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है, बट आप हल्के हाथ से करिएगा इसको, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि आपका जो पनीर है वो टूटे ना, है ना। तो हाई फ्लेम करके हम इसको करते हैं सौते, और ये यमी सी रेसिपी बनने वाली है, आप जरूर लाइक करेंगे इसको। ये देखिए बढ़िया से ये पक गया है, और ये देखिए हमने केटली में पानी गर्म कर लिया है, उसको हम इसमें डाल रहे हैं, मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। हमारे टमाटर आप देख सकते हैं ना मैश हो गए हैं। ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छे से बबल्स आने शुरू हो गए हैं उसमें, ये भुन गई है, आप देख रहे हैं कलर भी बहुत अच्छा आया है। मेथी को भी हमने थोड़ा सा तवे पर रोस्ट कर लिया है, और अब हम इसको हाथ में लेके ना ऐसे क्रश करके डालेंगे, इसकी खुशबू ना बहुत अच्छी आती है। बस बहुत ही हल्का रोस्ट करना है, ऐसे नहीं कि जल जाए। तो इसको हम भूनेंगे अच्छे से, इसकी खुशबू बहुत बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें जो क्रीम है वो होममेड मलाई डाल रही हूँ, इसको थोड़ा सा हम ऐसे मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे, और इसको ऐसे डाल देंगे। 1-2 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं इसमें मलाई, इसको मिक्स करेंगे। आप नमक वगैरह ना टेस्ट करके देख सकते हैं आपको कितना स्पाइसी पसंद है। इसकी ग्रेवी ना बिल्कुल ऐसे नहीं होती है कि बिल्कुल पीसी हुई ग्रेवी हो, ये थोड़ा सा ऐसे मसालेदार बनता है। अब हम डालेंगे इसमें ये पनीर और शिमला मिर्च, ये देखिए कितनी यम्मी ये रेसिपी है। कसूरी मेथी की खुशबू है, बहुत ही ध्यान से आप इसको चलाएं ताकि पनीर जो टूटे नहीं। और इसको करेंगे अब हम हरे धनिए से गार्निश। 1 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए अच्छे से, जो भी थोड़ा बहुत घी हमने बहुत ज्यादा नहीं डाला है, बट जो भी डाला है वो थोड़े से बबल्स आने शुरू हो गए हैं। हमारी जो ये रेसिपी है वो परफेक्ट है। करते हैं इसकी प्लेटिंग, बहुत ध्यान से आप हिलाएं ताकि जो है मसाले और ये पनीर अच्छे से मिल जाए और पनीर टूटे ना। और ये देखिए हमारी ये यमी सी रेसिपी बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।